देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हर समय किस्मत को कोसना, हर वक्त भाग्य की गलती निकालना भी आपके भाग्य पर प्रभाव डालता है। इसलिए आपके आहार और विचार भी भाग्य को चमकाने में बड़ा साथ निभाते हैं। आप सोचते हैं या सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे संभव है। अगर आप अपने भाग्य को ही, जो आपको आगे लेकर जाएगा, उसे ही आप कोसना शुरू कर देंगे तो आप आगे कहां बढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे। इसलिए आपका आहार, आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही और संतुलित है तो आपका भाग्य चमक जाएगा। आचार्य राजीव शुक्ला जी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज वो इसी विषय पर आपको पूरी जानकारी देंगे। आचार्य जी, पर समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेचं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भवभय और इसके 1000 नहीं लाखों लाखों प्रकार के भय होते हैं, और उन भयों से कैसे दूर हुआ जाए और स्वयं अपना भाग्य किस प्रकार से छोटी छोटी क्रियाओं को करते हुए सिद्ध किया जाए, ये सारी तमाम बातें हर रोज की तरह आप सबको, जो भी ज्ञान मेरे पास है, आप सबके लिए निश्चित रूप से समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अब पंचांग जान लेते हैं कि पंचांग क्या कह रहा है आज का। दिनांक 14 फरवरी सन 2019, नौमी तिथि का मान आज रोहिणी नक्षत्र पे चंद्र के उच्चत्व को प्राप्त की हुई राशि वृषभ, उस पे रोहिणी नक्षत्र का मान लगा हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी भी चंद्र, चंद्र उच्च की राशि पे आज चंद्र विशेष बलि। माघवास शुक्ल पक्ष और राहु काल आज 1:44 से 3:19 तक सिद्ध हुआ है। पुनः शुभ समय 11:19 से 1:15 शुभ कार्यों को करने के लिए, स्वास्थ्य विघ्न बाधाओं को हटाने के लिए और इसके साथ साथ भाग्योदय करने के लिए भी आज चंद्र की उपासना से निश्चित रूप से लाभ होने की संभावना ज्यादा बलवती दिख रही है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज का दिन मान दिवस पंचांग इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब 12 राशियों का हाल जान लेते हैं आचार्य जी से। आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आचार्य जी बताएंगे। दिल को अपने सुव्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि से शुरू करते हैं। वैसे तो आप अपने ऑफिशियल कार्यों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन साथ के साथ धन के आगमन के भी स्रोत आपके बढ़िया बनते हुए योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना वैसे हमेशा हर व्यक्ति के लिए शुभ है। आज आप इसको करें, उपाय के तौर पे शुभ रहेगा आपको। आज जरूर ध्यान रखेंगे मेष राशि वालों के, आज अपने नए वाहन की खरीदी ना करें। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि पे चंद्र, शुभ समाचारों की प्राप्ति, चंद्र उच्चत्व को प्राप्त हुए आज। अधिकारियों का आपको और अपने समकक्ष लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करना है, मंदिर में आपको जाना है और घी का दीपक जलाना है, बस छोटा सा कार्य। शुभ रंग आज आपका प्रमाण लिए हुए है नीला। स्वास्थ्य को लेके अगर शिथिलता आपने अभी बरती तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, बस छोटी सी बात, इसको ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ जाए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि तीसरी राशि बुध से प्रदत्त राशि, आर्थिक स्थिति सुधरेगी आपकी और आपके अपने जो घरेलू और पर्सनल रिश्ते हैं उनमें कुछ मजबूती आने की संभावनाएं आज दिख रही हैं, और मजबूती लाने के लिए प्रयासरत भी आप चल रहे हैं। क्या करना है मिथुन राशि को, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक और सुखकारक रहेगा। सुनहरा रंग का प्रयोग करें। किसी से कर्ज यदि आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी कदापि आज कम से कम इस बात को ध्यान रखते हुए चले कि कर्ज लेने से आज आपकी मान सम्मान में बहुत ज्यादा कटौती आ सकती है, किसी और दिन उपयुक्त दिन आप ले सकते हैं। बात करते हैं अब कर्क राशि यानी कैंसर राशि की। परिवार के समय और परिवार के साथ का समय, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी फैसला लेना किसी भी प्रकार का आज कठिन मालूम दे सकता है, तो
कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, बाद में ले सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा आप वैसे तो नित्य करनी चाहिए। चंद्राम प्रभासाम यस्वाम ज्वलंतीम, जिस प्रकार चंद्र की प्रभा और चंद्र का प्रकाश शुभ रंग आपके लिए आसमानी सिद्ध होता है आज। लेकिन ध्यान रहे, पशु चौपाए और इस प्रकार से पशु पक्षियों की या चौपाए की या किसी प्रकार से वाहन इत्यादि की भी खरीदी करना आज के आपके लिए अच्छा नहीं बनता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि का ये प्रमाण दिख रहा है। और कर्क राशि के बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि की आती है, सूर्य की राशि है ये। कामों में आपके रुकावट थोड़ी सी आ सकती है, यह अच्छा नहीं है आज का संकेत। लेकिन जो पुराने मित्र आपको मिल जाएंगे, पुराने आपके संबंध ताजा हो जाएंगे, तो वही लोग मदद कर सकते हैं आपके कुछ पुराने रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए। सिंह राशि का यह प्रमाण दिख रहा है, शेर की तरह दहाड़ती हुई ये राशि। लेकिन जरूर ध्यान रखें, गणेश जी को प्रसन्न करना आज बहुत ही अच्छा रहेगा। उसको करने के लिए गणेश जी को प्रसन्न बहुत कम कुछ करना पड़ता है, दूर्वा अर्पित करना पड़ता है। दूर्वा करें अर्पित। शुभ रंग आज गुरु बृहस्पति प्रदत्त रंग पीला। क्या नहीं करना है, नई जगह पे आपको यदि बातचीत करनी हो या किसी प्रकार का आवेदन करना हो वो निष्फल हो सकता है। ये मना इसलिए नहीं होता है कि आप ना करें, लेकिन इसलिए होता है कि वो एक बार में देखा जाए तो निष्फल हो सकता है। निष्फलता को दूर करना यही कार्य हो सकता है। बात करते हैं अब हम कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सेहत में आपके सुधार हो गया और आय में अब बढ़ोतरी होने के आसार दिख रहे हैं। यानी सोर्सेज ऑफ इनकम, स्रोत आपके आय के नए नए प्राप्त होने की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं आप। और आर्थिक तंगी से जो कन्या राशि वाले जूझ रहे हैं उनकी भी आर्थिक तंगी दूर होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। कन्या राशि यानी बुध की प्रदत्त राशि, और जब बुध की प्रदत्त राशि हो तो क्या कर लेना चाहिए, शुभता के कार्य करने चाहिए। बुध से संबंधित राशियों का ये मान दिख रहा है। कन्या राशि वालों को आज शुभ कार्यों में माता पिता का आशीर्वाद लेना ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है, नारंगी रंग की वस्तुओं को इस्तेमाल करने से भी अच्छा रहेगा। लेकिन जरूर ध्यान रहे दर्शकों, लोहे की कोई वस्तु यदि कन्या राशि के जातक जातिकाएं हैं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि क्या ना करें, ये ज़्यादातर कई जगह पे शास्त्र सम्मत नहीं मिलती हैं। इसलिए आप इनको देखें, हमारा ये जो कार्यक्रम होता है इसमें जरूर बताते हैं क्या करें क्या ना करें, शास्त्र सम्मत बताते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करें तो घर के सामान पर व्यर्थ आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो व्यर्थ का खर्चा आपका रुक सकता है जीवन साथी के सहयोग से। क्या करना है, किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करें, ईश्वर की आराधना करें। शुभ रंग आप पूरा मान के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से न्यायिक सलाह यदि आपको आज लेनी है तो चूंकि आपकी राशि का नाम ही तुला है तो तुला राशि में न्यायिक सलाह ना लेने की आज व्यवस्था दिख रही है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी शुभ समय अभी दिख रहा है। नया कार्य श्री गणेश करने जा रहे हो या कार्यों के ऊपर बात करने जा रहे हो, भगवान श्री गणेश को लड्डू चढ़ाएं और लाल रंग के यदि वस्त्र पहन के जाएंगे तो चमत्कारी प्रभाव आज दिखते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों को मंगल प्रदत्त रंग अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग की बात आती है। तो लाल रंग की बात करते हैं तो आप वृश्चिक राशि मायावी राशि, पल में तोला पल में माशा, लेकिन वाद विवाद की स्थितियां यदि हो, वाद विवाद कई प्रकार से हो सकता है, अड़चनों को भी वाद विवाद की स्थितियां नहीं निपटा पाती हैं, तो क्या करना है। धनु राशि की तरफ अगर हम बात करें तो रुका हुआ कामकाज आज आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। अधिकारी आपसे प्रसन्न होते हुए दिख रहे हैं, रुके हुए कामकाजों में तेजी आएगी और आपके पराक्रम में दिन रात दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि अब होगी ही होगी। क्या करना है, एक कटोरे में चिड़ियों के लिए जल भर
बहुत बड़ा काम नहीं है, जरूर रखें। और शुभ रंग आज बृहस्पति देव प्रदत्त, जो आपके राशिश और लग्नेश भी है, तो भी आप उसके हिसाब से रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जरूर ध्यान रहे, बेबात का बिना किसी तकलीफ का कोई भी क्रोध करना, ये आपके लिए आज नेष्ट रहने वाला है। संध्या काल के बाद से दिन बहुत उत्तमता की तरफ जाएगा। मकर राशि की बात करें, आय के नए स्रोत बनेंगे आपके, और साथ के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ सफलतादायक योगादि योग भी दिख रहे हैं। जरूरतमंद कोई हो उसको काले कंबल का दान जरूर करें, और गाजर का रंग जो होता है लाल के तुल्य रंग होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज। ग्रह प्रवेश, लेकिन वो भी नूतन मकान इत्यादि, जमीन इत्यादि में, या नए जगह अभी ऑफिस इत्यादि यदि शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आज के लिए शुभ नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें, तो मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। साझेदारी में काम करना आपके लिए, एक साथ आके मिल के टीम वर्क की तरह काम करना आपके लिए बहुत शुभ होता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि के लिए। लेकिन कुछ बातें जरूरी होती हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि है, इसलिए थोड़ा सा राहु का शुभ प्रभाव बढ़ा ले, चिड़ियों को बाजरा ये डालें दाने के रूप में, और जरूर ध्यान रखें इस कार्य को करने में। खेती के संबंधित यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं, या खेती से संबंधित कोई नया काम, बीज इत्यादि बोने का, या कोई नया काम आप कर रहे हैं, या खेती से संबंधित खरीदी कर रहे हैं, तो वो आज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है मीन राशि वालों, गुरुवार का दिन और गुरु से प्रदत्त राशि आज आपका साथ देगा। और दूसरों की मदद अवश्य करें, देखिए आपकी भी मदद होगी, अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें, और साथ के साथ शुभ रंग सफ़ेद मान के चलना, और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना, चाहे आज वस्त्र की खरीदी बिल्कुल ना करें, चाहे पुराना चाहे नया। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपना तो आपने देखा, अपने अपनों को भी देखिए, और जो नहीं देख पाए उनको बताइए कि आज आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अपने को बहुत संभाल के रखना है और शुभता की तरफ बढ़ना है। आचार्य जी, जो आज आपने विषय तय किया है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, चूंकि आपने कहा है कि आपका भाग्य प्रबल हो सकता है आपके आहार और विचार से, तो ये कैसे संभव है ये हमारे दर्शकों को बताइए, और आपने ये विषय क्यों चुना ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है राहुल जी। हमने ये इसलिए विषय चुना गया है क्योंकि कई बार क्या करना और कहाँ पे सावधानियां रखना ये छूट जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या आहार विचार रहना है पति पता को। कुमड़ा यानी पेठा खाने से धन की हानि होती है। दर्शक ये जान ले कि क्या नहीं खाना पीना है। प्रतिपदा यानी अगर प्रथम तिथि को पेठा खाएंगे तो उससे धन की आपकी हानि हो सकती है। ये सब लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से क्या करना है। द्वितीय तिथि सब लोग जानते हैं, पंचांग ले लीजिए, द्वितीया को छोटा बैंगन बहती या कटहरी जिसको कहते हैं वो खाना निषिद्ध होता है, यानी इससे भी हानि की संभावना बढ़ती। तृतीय तिथि हो तो परवल वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो इससे निश्चित रूप से शत्रुओं की वृद्धि बताई गई हो। ये सब बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से है। चतुर्थी को मूली अगर आप खाते हैं तो स्वास्थ्य इस प्रकार का खराब होता है कि धन नाश तक होने की संभावनाएं दिखती हैं। पंचमी को बेल खाने से ये देखा गया है कि अनकरा जो आपने नहीं भी किया था वो भी आपके ऊपर एक आक्षेप लग सकता है। षष्ठी को नीम दातून इत्यादि यदि आप करते हैं तो निचली प्रकार की योनियां अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए कई जगह ये बात आई है, लिखा है। सप्तमी की अगर हम बात करें, सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग जन्म लेते हैं, जो आपके शरीर में जीवाणु विषाणु रहते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते हैं आपकी प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, वो आ जाते हैं। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का ये कहा गया है नाश होता है, यानी बुद्धि डल हो जाती है। नौमी को लौकी गोमांस के समान त्याज्य मानी गई है नौमी तिथि को, क्योंकि इसमें विषाक्त हो जाता है और दिक्कतें आने लगती हैं, पता नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, इसलिए भी ये विषय आज लिया है। एकादशी पर सेम खाना नहीं चाहिए, इससे भी बड़े कष्ट होते हैं। रविवार के दिन
अदरक वैसे तो आप हल्का पकवान इत्यादि में डाल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से खाने की बातें हो रही हैं। ये कार्तिक मास अगर चल रहा हो तो उसमें माघ में मूली का त्याग और कार्तिक मास में बैंगन का त्याग कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ आप यदि खा रहे हैं तो वो खाने से आपकी गरिष्ठता भी बढ़ती है। देखिए, हमारे शरीर का हमारी मानसिक अवस्था पे बहुत निर्भरता रहती है। रात में दही खाना, रात में सत्तू खाना, इससे तीन प्रकार के राजसिक, तामसिक और सात्विक तत्व होते हैं और त्रिदोष विकार भी आ जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ से परोसा गया अन्न खाने के योग्य नहीं माना गया है। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं उसकी बात नहीं, अन्यथा तो जिस भोजन को लड़ाई झगड़े के बीच में तैयार किया गया हो, यानी इस प्रकार से हो रहा हो कि जब भोजन तैयार हो रहा हो तो झगड़ा इत्यादि हो रहा हो, निश्चित रूप से वो खाने योग्य पदार्थ नहीं होता है। यहाँ तक भी कहा गया है कि वो भोजन तो राक्षसों के भोजन के समान होता है, यहाँ तक भी बात बोली गई है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, गाय भैंस और बकरी के दूध का सेवन तो करना ही करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें जरूर ध्यान, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लोग लगे हुए हैं, जो अन्य प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षाओं में है, उनको भैंस का दूध, घी और मक्खन इत्यादि त्याज्य रखना चाहिए। गौ का दूध, घी, मक्खन इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि क्योंकि ऊपरी शक्तियां जरूर होती हैं, भोजन और दूध से अट्रैक्ट होती है, यानी उधर जाती, आकर्षित होती है, इसलिए वो बिल्कुल ढका रहना चाहिए। मस्तक का स्पर्श यदि आप अपना या किसी का भी कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो झूठे हाथ नहीं होने चाहिए, स्वच्छ स्थिति होनी चाहिए हाथों की। भोजन सोने में और प्रणाम बड़े बुजुर्गों को करने में जूते पहन के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गंदे वस्त्र, ये तो हम अक्सर कहते हैं, मलिन वस्त्र और मलिन दर्पण, ये भी नहीं देखना चाहिए। तो देखिए कितनी बातें आती हैं, वैसे तो बहुत लंबी सूची होती है, लेकिन जो बहुत जरूरी जरूरी बातें होती हैं वो आप जिस प्रकार से कहा गया है कि कौन सी चीज कब किस प्रकार से आपको नुकसान कर जाए। कभी कभी कई बार प्रश्न आता है कि हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन अक्सर निष्फल हो जाते हैं, तो क्या आप इन बातों पर ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर आपको अपना सक्सेस चाहिए, यानी आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए, तो निश्चित रूप से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपको नहीं करना है। इसीलिए हर रोज़ हम क्या करें क्या ना करें, रोज के हिसाब से भी होता है। और कई बातें, खाद्य पदार्थ करना क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, बस केवल ध्यान देना है तिथियों का और तिथियों के हिसाब से वो आहार से अपने निकाल देना है। तो आने वाले समय में जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। जिस प्रकार से अगर हम कहते हैं कि किसी न किसी दिन कौन सा पदार्थ रोग के कारक बन जाता है और कौन से दिन कौन सा पदार्थ आपको रोगों से बचा भी देता है, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए कब नहीं। तो ये आपने जाना, कौन सा आहार विचार विहार आपको किस प्रकार से बचा सकता है और आपका भाग्योदय बना सकता है। और हमारे साथ कानपुर से अलका जी जुड़ गई हैं। अलका जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहती है, आप सीधे पूछ सकती हैं आचार्य जी से। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। मेरी बहन का बेटा है, उसका नाम है करण, उसने एमटेक किया है, उसकी सर्विस नहीं लग रही। पंडित जी बता दीजिए उसकी नौकरी कब तक लगेगी, कोई उपाय बता दीजिए। जी, थोड़ा सा मंगल प्रदत्त इनका जो कुंडली का और शाब्दिक कुंडली का जो आपने प्रश्न पूछा है, जिनके लिए भी, उनके लिए थोड़ा सा नौकरी में अड़चन केवल एक ग्रह के कारण ही दिख रही है, वो है मंगल। और नौकरी इनको बहुत अच्छी मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में भी मिलेगी और बहुत जल्द भी मिल सकती है। एक छोटा सा उपाय कर लें, किसी भी मंगलवार सुबह ये स्वच्छ अवस्था में जाए और हनुमान जी का कोई मंदिर हो वहाँ पर कोशिश करें बिना जूते चप्पल पहन के वहाँ तक जाएं और गुलाब के फूल की या तो माला चढ़ाएं या गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं और बेसन प्रसाद के रूप में बेसन से बनी हुई वस्तुएं भी ले आएं। ऐसा
यदि मंगलवार से शुरुआत करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरुआत करके 40 दिन करते हैं, निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या दूर होती हुई देखी गई है। ये छोटा सा प्रयोग है, फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप पुनः संपर्क कर सकते हैं। अगली कॉलर मिनी अग्रवाल है बरेली से। मिनी अग्रवाल जी, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहती हैं, आप बता सकती हैं। गुरुजी को प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। गुरुजी, मेरी दादी है, उनका नाम सावित्री अग्रवाल है, उनकी उम्र 75 वर्ष है। तो गुरुजी, 8 दिन से उनकी इतनी तबीयत खराब है कि वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गई है, मलमूत्र वगैरह सब बिस्तर पे हो रहा है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो आप बताएंगे उनका कब तक का समय है या कब तक सही होंगे कोई उपाय? देखो बेटा, एक बात होती है, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें ज्योतिष शास्त्र को सलाह ना देने की बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन ये मान के चलिए आप जो भी अपने तरफ से सेवा इत्यादि कर पाए उनकी जरूर करिए। बाकी ये बताना हम लोगों को निषेध है कि कब तक कोई प्राणी रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके लिए बहुत ही क्षमापूर्वक आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। इस प्रश्न का जवाब कब तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा यह हम नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है, जो भी आप अपने घर में गीता का पाठ अवश्य आपको कराना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये उपाय भी होता है, ये महा उपाय भी होता है, इससे हो सकता है आपकी तकलीफें भी दूर हो। और बलविंदर अगली कॉलर है। बलविंदर जी, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से? आचार्य जी, राधे राधे। जी राधे राधे, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। आचार्य जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि मेरा धनु लग्न है और वृषभ राशि है, आने वाली 7 मार्च को राहु केतु जो चेंज हो रहे हैं वो मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूँ जिसके लिए मेरा वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं बहुत बिजनेस में परेशान हूँ। देखिए, आप वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं और धनु लग्न की बात करते हैं, दोनों ही संबंध में राहु का और केतु का गोचर जो आ रहा है उसके लिए हम एक कार्यक्रम विशेष करेंगे, लेकिन इसका जो गोचर आ रहा है मार्च में, वो निश्चित रूप से चूंकि उच्चत्व को प्राप्त होते हैं मिथुन राशि में राहु और धनु राशि में केतु, इसलिए ज्यादातर राशियों के लिए अच्छा ही समय आने की तरफ बढ़ रहा है। रही बात उपाय की, तो उसके लिए अभी कुछ समय आप जरूर प्रतीक्षा करें। तो लगातार दर्शक हम हमारे साथ जुड़े और आचार्य जी से उन्होंने प्रश्न पूछा, साथ ही आचार्य जी ने आपको बताया कि आहार और विचार पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए और इससे कैसे आपका भाग्य बदल सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आचार्य जी ने दी है, और साथ ही साथ दूसरे विषयों पर आचार्य जी आगे भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं आचार्य जी की मेल आईडी क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम के अतिरिक्त कहीं बात करना चाहते हैं, आचार्य जी से संपर्क साधना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी की मेल आईडी है BS नक्षत्रा, या फिर आचार्य जी के ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है 800-403-6524 पर आप अपनी बात रख सकते हैं, बातचीत का समय ले सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, साथ ही साथ तमाम दर्शकों की समस्याओं को आपने दूर किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।